अफगानिस्तान के जलालाबाद में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा कि मोदी जी रोज सुबह उठकर दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पीडीपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के बागी सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी को धमकी दी और कहा कि पार्टी से निकाला गया तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। दरभंगा से अरुण जेटली को चुनाव लड़ने की दी चुनौती। अरुण जेटली आज 6 दिन के लंदन और स्विट्जरलैंड दौरे के लिए रवाना होंगे। जैसलमेर के बीएसएनएल अधिकारियों को पाकिस्तान की तरफ से आई कॉल ने सुरक्षा एजेंसी की नींदें उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान से आई कॉल के जरिए किसी पाकिस्तानी नागरिक ने सेना के फोन नंबर की जानकारी मांगी थी। अनूपगढ़ में बीएसएफ ने भारत पाक सीमा के पास से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से एक 11 mm की बंदूक, 200 ग्राम बारूद, 3 मोबाइल और 2 बाइक बरामद। फतेहपुरा पूर्व सीएम अशोक गहलोत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गहलोत सरदार से जयपुर जा रहे थे, इसी बीच वो फतेहपुर रुके। धौलपुर के कोलारी इलाके में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के सुरपालिया थाना इलाके में एक कार और जीप में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में नेशनल हाईवे 11 पर कोहरे की वजह से कार टैंकर से जा भिड़ी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोखरण के रामदेवरा इलाके में चोरों ने मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी की कोशिश की। दुकानदार के शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। चोरों की हर हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बालोतरा के पचपतरा कस्बे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बाल श्रमिकों को आजाद कराया। इन बाल श्रमिकों से ढाबे में काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने ढाबा संचालकों के खिलाफ बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशनगढ़ में गरीब बेसहारा लोगों के लिए बना रैन बसेरा पुलिसकर्मियों का आवास बनकर रह गया है। रैन बसेरे में पुलिसकर्मी आराम फरमाते हैं, जबकि गरीब बेसहारा लोग फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। बूंदी के सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन काम ठप होने की वजह से प्रसूताओं को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। जननी और दूसरी योजनाओं के तहत दी जाने वाली धनराशि अब तक प्रसूताओं के खाते में जमा नहीं हो पाई। अलवर में मावठ न होने की वजह से सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। कोहरे और पाले की वजह से फसल को भारी नुकसान पहुंचा। चेपा रोग की वजह से सरसों की फसल में फली नहीं लग पाई। नौहर में सर्दी के चलते लोगों का जीना दुभर हो गया है, साथ ही दिनचर्या भी बिगड़ गई है। वहीं घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहपुर में शेखावाटी का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें जलानी पड़ रही हैं। उदयपुर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 30 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। रैली को मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण का आगाज हो गया है। जिला कलेक्टर SS ओहता ने लाल पहाड़ी इलाके में बनी पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। धौलपुर में भी पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो बूथों पर सुबह से ही बच्चों की रौनक देखने को मिली। जिले में 5 साल तक की आयु के अनुमानित 2,08,670 बच्चे हैं। फतेहपुर के रूरू बड़ी गांव में बालाजी भैरव जी और माताजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। संत विकासनाथ, निश्चलनाथ महाराज, स्मृतिनाथ महाराज, विजयनाथ देवू देवताओं की मूर्ति का अनावरण किया। रात्रि जागरण और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। पीरीबंदा के गुरुपर्व पर गुरुद्वारे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ हुआ और लंगर का आयोजन भी किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से 5 ट्रेनों में अस्थायी अतिरिक्त कोच की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें करीब 400 अतिरिक्त यात्रियों को आरक्षित 10 सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मेलबर्न में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 295 रनों का स्कोर बनाया। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ एक दूसरे से ऑफिशियली अलग हो गए हैं। रणबीर ने कार्टर रोड वाला फ्लैट छोड़ दिया है। वहां करीब 6 महीने से कैट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो अब अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे।